अभी पर ऑपरेशन लिखेंगे, वही ऑपरेशन का नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। अभी नीचे हम जो भी ऑपरेशन लिखेंगे साथी, वही ऑपरेशन का नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन, समझ गया। अब ऑपरेशन क्या होने वाला है, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ऑफ़ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन का है कि इसका यूज करके हम इनवर्स निकालेंगे कोई भी मैट्रिक्स का। अभी तक हम इनवर्स थोड़ा नहीं बता रहे, केवल इतना बता रहे हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है। तो कोई भी मैट्रिक्स है, मानो यहाँ पर ए बी सी डी, ये हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, कोई दिक्कत। चलो तो हम यहाँ ए बी सी डी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन करता है कि आप किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और उसको किस तरह से लिखा जाता है, जैसे R1 को आप इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इंटरचेंज का मतलब तो बुझता था, है कि नहीं, इसका वाला उसके जगह पर और वो वाला इसके जगह पर, समझ में आ गया। तो R1 और R2 को जब इंटरचेंज करेंगे साथी, तो हम साइन देंगे इसका और हम लिखेंगे इस तरह से, कोई दिक्कत। क्या लिखेंगे कि R1 इज इंटरचेंज विथ R2, R1 जो है इंटरचेंज हो रहा है R2 के साथ, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो तो अब यही पहला ऑपरेशन होता है कि किसी भी दो रो को आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह कॉलम के लिए यही बात करता है कि आप किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब C1 और C2 आपस में इंटरचेंज हो सकता है। ये R1 और R2 ही नहीं, हमारे पास जितना भी, हम किसी को भी R3, R4, C2, C3, C5, हम कुछ भी, जितना मेरा मैट्रिक्स रहेगा उस टाइप का हम समझेंगे, ठीक है। तो कोई जनरल बात यहाँ कर देंगे कि Ri इज इंटरचेंज विद अदर रो, है कि नहीं। तो जे तो यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जरा समझना, कि पहला ऑपरेशन जो होता है कि द इंटरचेंज ऑफ द इंटरचेंज ऑफ टू रोज और कॉलम, टू रोज और नहीं तो टू कॉलम, समझ में आया। क्या बोले सर, कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यही मेरा ऑपरेशन हुआ पहला, और यही ऑपरेशन का नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसको साइम्बोल में हम किस तरह से दिखाते हैं साथी, साइम्बोल में हम उसी तरह से दिखाते हैं, जैसे बोले कि आर आई को, मान लो आईएथ रो को क्या कर सकते हैं, आईएथ रो को क्या कर सकते हैं, जेएथ कॉलम, जेएथ रो के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि दूसरा कोई रो है सी आई इज इंटरचेंज विथ सी जे, मतलब कोई दो कॉलम, ये अलग कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, दोनों को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स था ए इज इक्वल टू 1 2 2 1, कोई दिक्कत। ये मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2 का, हम ऑर्डर छाटेल नहीं बता रहे हैं, बुझ रहे हैं। तो हम एक महीना पढ़ाए खाली मैट्रिक्स। एक बात बता साथी, इसमें क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है कि मान लो कि R1 और R2 को क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 और R2 को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो कैलाश तो बूझ रहा होगा भाई कि R1 कौन है और R2 कौन है। R1 और R2 को इंटरचेंज, मतलब R1 के जगह पर R2 जाएगा तो 2x1 हो जाएगा, R1 के जगह पर R2 जाएगा तो 2x1 हो जाएगा, और R2 के जगह पर R1 आएगा तो 1x2 हो जाएगा। मेरे दोस्त मुझे समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलिए ये मेरा पहला ऑपरेशन हुआ, कौन सा ऑपरेशन हुआ, पहला। दूसरा ऑपरेशन कहता है कि आप मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हैं, समझ में आया। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप कोई भी नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो मतलब जीरो से नहीं, नॉन जीरो से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, चाहे उस तरह भी द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, द स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाय द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट, ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और नहीं तो कॉलम। देखो तू बात को नहीं समझ पा रहा है, हमारे पास हर एक बार दो ऑपरेशन, एक कॉलम के लिए और एक रो के लिए रहेगा,
और बात दोनों का सेम करते रहेंगे, जहां रो बोलेंगे वहां पर क्या हो जाएगा कॉलम, ठीक है। तो ये द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, मतलब प्रत्येक एलिमेंट में करना है। किसी मान लो हम ये वाला रो लिए, मतलब ये वाला रो लिए 1 2, है ना, तो 1 2 में जब किसी तुम स्केलर से नॉन जीरो से गुना कर रहा है, किसे नॉन जीरो से गुना कर रहा है, तो प्रत्येक एलिमेंट में करना है, 1 में भी करना है और 2 में भी करना है। बात तू नहीं समझ रहा है साथी, समझ गया? तो चलो, कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी रो में कोई स्केलर क्वांटिटी चाहे फिर नॉन जीरो नंबर के से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो वही रो में कर रहे हैं ना। तो किस तरह से इसको सिंबॉलिकली हम किस तरह डिनोट करेंगे कि हम अगर यहाँ आई के जगह पर 1 देंगे तो R1 में मैंने क्या किया, के से गुना किया, R1 में क्या किया, के से गुना किया, वही कर दिए। यहाँ पर के मेरा क्या है, कोई नॉन जीरो नंबर है, कोई क्या है, नॉन जीरो नंबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक लिख लो। देखिए साथी, अभी हम बताए थे कि रो आर क्या बोले थे कि किसी भी रो में हम कोई नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, तो उसको लिखे थे आईएथ रो में क्या कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट के से गुना कर सकते हैं, वही वाला रो में, हाँ कि नहीं। तो सिमिलरली जस्ट यही वाला ऑपरेशन होता है कॉलम के लिए, किसके लिए, कॉलम के लिए। तो आप उसी के बगल में लिख लीजिएगा कि सी आईएथ कॉलम में हम क्या किए, कोई कांस्टेंट के से क्या कर दिए, गुना कर दिए। ये मेरा दूसरा वाला रो ऑपरेशन नहीं, कॉलम ऑपरेशन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, कॉलम ऑपरेशन। और जो आर वाला लिखते हैं उसको बोलेंगे रो ऑपरेशन, क्या बोलेंगे, रो ऑपरेशन। जैसे अगर फॉर एग्जांपल में बात किया जाए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 2, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या कर रहे हैं साथी, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो भी हम आप लोगों को बताएं, आप रो के लिए बोलिए या फिर कॉलम के लिए, किसी के लिए भी हम लिख सकते हैं। इसमें हम कॉलम के लिए कह रहे हैं कि दूसरा कॉलम में मैंने क्या किया, -1 से गुना किया, तो के जगह पर यहाँ पर कोई नॉन जीरो नंबर क्या आया, -1, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 2, पहला कॉलम में तो मैंने कुछ नहीं किया था, पहला कॉलम जो रहेगा वो रिमेंस अनचेंज उसी तरह रहेगा, लेकिन दूसरा कॉलम में तू क्या कर रहा है, -1 से नॉन जीरो नंबर से क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। और जब किसी भी कॉलम में अगर कोई नॉन जीरो से करते तो उसमें प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता है, ईच एलिमेंट में, तो लिखेंगे -1 और फिर क्या, -2। मेरे दोस्त तुझे दिक्कत है तो तू बोल, दिक्कत है क्या, नहीं? चलो यहाँ तक हो गया। अब तीसरा ऑपरेशन क्या बोलता है, तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है कि द एडिशन टू द ईच एलिमेंट, टू द ईच एलिमेंट्स ऑफ ए, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम टू द corresponding element of, to the corresponding element of a other row or column, of a, of another row, another row or column